हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सेक्टर के बारे में, वो सेक्टर निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ ऐसे सेक्टर हम देख लेते हैं। तो निफ्टी 50, इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? सबसे ज़्यादा बैंक सेक्टर का वेटेज है निफ्टी 50 में। तो हम बात कर रहे हैं आज बैंक सेक्टर के बारे में, बैंकिंग स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे। सो देख लेते हैं, बैंक सेक्टर निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इसका ही वेटेज रहने के कारण निफ्टी 50 में वॉलीटिलिटी रहती है। जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पे, इसमें अगर तेज़ी आई तो निफ्टी में भी तेज़ी आती है। जिस तरीके से दोस्तों निफ्टी 50 वॉलीटिलिटी दिखा रहा था, 18,000 का लेवल जैसे कि ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है निफ्टी 50, उस टाइप की सिचुएशन यहाँ पे भी ये देख सकते हो आप। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। सेम चार्ट पैटर्न निफ्टी 50 का भी है दोस्तों। सो आपको सभी को पता रहना चाहिए कि बैंकिंग सेक्टर एक अच्छा खासा वेटेज देता है निफ्टी 50 में, उसी के कारण निफ्टी 50 आगे बढ़ता है। सो देख सकते हो आप, सेम मैं आपको निफ्टी 50 में बता सकता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, निफ्टी 50 यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था 18,000 का लेवल ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर वेटेज अगर है तो उसमें बैंकिंग सेक्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज है, जो कि हमारा बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी है। सो देख लेते हैं, हम NSE के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देख लेते हैं कि देख सकते हो दोस्तों, हम निफ्टी 50 के इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक पे आ गए। हम देख सकते हैं इसमें सबसे पहले 11% का रिलायंस इंडस्ट्री, ये वेटेज देता है। उसके बाद में देख सकते हो आप HDFC बैंक कितना दिया है, 8.37, ICICI बैंक 7.92, इन्फोसिस देख सकते हो, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन इसका ही 5.69 का वेटेज है, टाटा कंसल्टेंसी, उसके बाद में कोटक महिंद्रा बैंक, ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, लार्सन एंड टुब्रो, ये टॉप 10 स्टॉक है दोस्तों निफ्टी 50 इंडेक्स के। सो देख सकते हो दोस्तों, सेक्टर रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें दोस्तों सेक्टर दिखाया है कि इस सेक्टर से स्टॉक निफ्टी 50 इंडेक्स में है। तो वेटेज यहाँ पे लिखा हुआ है, वेटेज देख सकते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों क्या आया हुआ है, फाइनेंशियल सर्विस 36.96% का वेटेज है। देख सकते हो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी अगर भागता है तो निफ्टी 50 को भी भागना ही पड़ेगा। उसके बाद में देख सकते हो दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT कंपनी का भी 14.22 का वेटेज है, ऑयल एंड गैस 13% से ज़्यादा का वेटेज है। उसके बाद देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे, फिर यहाँ पे कम कम होते जा रहा है वेटेज, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर वेटेज हम बोलेंगे तो इन्हीं चीज़ों का सबसे ज़्यादा वेटेज है। इसमें भी हमें 36.96 फाइनेंशियल सर्विस का ज़्यादा वेटेज दिखता है, इसलिए बैंक निफ्टी जब भागता है तभी निफ्टी 50 भागता है, ये सभी को समझना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में देख सकते हो दोस्तों, इस तरह के सेक्टर है इसमें, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, उसके बाद में हेल्थ केयर आता है, कस्टमर ड्यूरेबल एंड कंस्ट्रक्शन, मेटल एंड माइनिंग, ये इस तरीके से फिर वेटेज आता है दोस्तों 2-3% का, टेली कम्युनिकेशन, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन, पावर सर्विस, केमिकल। सो इस तरीके से ये जो सेक्टर है निफ्टी 50 में वेटेज देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, हमें पता रहना चाहिए। हमने यहाँ देखा है दोस्तों 36% का निफ्टी 50 में वेटेज है। सो दोस्तों उसी के चलते निफ्टी 50 में फाइनेंशियल सर्विस के रिलेटेड कौन से स्टॉक है, जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, सो वो देख सकते हो आप यहाँ पे, HDFC, ICICI और उसके बाद में कोटक, ये निफ्टी 50 में अच्छा खासा योगदान देते हैं। अगर ये शेयर अच्छे भागते हैं तो ये भी भागते हैं। अगर आप इन स्टॉक पे अगर आप पैसा लगाना चाहते हो तो आप सुरक्षित रिटर्न आपको मिल सकते हैं। HDFC में मैं आग बंद करके पैसे लगा सकता हूँ, वो सबका अलग अलग ओवरव्यू है। मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि मैं HDFC में अगर कोई मुझे 1 करोड़ रुपये भी दे देगा ना, तो मैं आग बंद करके लगा लूँगा। उसके बाद में कोटक महिंद्रा बैंक में भी आप अच्छा खासा पैसा लगा के रख सकते हो क्योंकि ये ब्लू चिप कंपनी है दोस्तों। इसमें अगर आप बोलोगे 10,000-20,000 ऐसा मैं लगाऊंगा तो आपको उस हिसाब से रिटर्न नहीं मिलेंगे, जो कि 1-2 साल में उतना कुछ भागते नहीं है ये शेयर। सो देख सकते हो दोस्तों, HDFC बैंक जैसे कि मैंने बोला था ब्लू चिप कंपनी है, इसमें आप बंद करके पैसे लगा सकते हो। सो दोस्तों इसमें अगर आप ऐसा बोलोगे कि मैं 10,000 लगा दूंगा तो सर ये तो कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगी, 1 साल में तो माइनस में ही दिखा रहा है। सो देख सकते हो 6% की गिरावट है 1 साल में, तो ये हाल ही हाल नहीं चलते हैं दोस्तों। जैसे कि देखो HDFC में इस तरह की गिरावट है तो HDFC का ज़्यादा वेटेज है निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 भी 18,000 पार नहीं कर पा रहा है। सो देख सकते हो दोस्तों, समझ में आता है यहाँ से। सो इसमें रिटर्न कैसे बनते हैं देख सकते हैं दोस्तों आप, हमें 5 साल का चार्ट पैटर्न देखना चाहिए। 5 साल में कितना है, 66% का रिटर्न दिया हुआ है
और हम मैक्सिमम टाइम में देखें तो मैक्सिमम टाइम में देख सकते हो आप 26,800% का रिटर्न दिया हुआ है इस कंपनी में। तो जो बड़े बड़े लोग रहते हैं ना दोस्तों, जिनके पास में अरबों खरबों में पैसा रहता है, वो क्या करते हैं, वो ऐसे स्टॉक में पैसा लगा देते हैं। अगर वो चाहे तो यहाँ पे 10 करोड़ 20 करोड़ लगा दे, अल्टीमेटली उनको 1 साल में या फिर 5 साल में डबल करके मिलता ही है पैसा। तो उस प्रोपोर्शनेट में वो पैसा ज़्यादा बड़ा होता है दोस्तों। जैसा 1 करोड़ का 2 करोड़ हो गया तो उसके लिए बहुत बड़ा पैसा हो गया। हम अगर 10,000 लगाएंगे 5 साल के बाद में 20,000 होंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी दोस्तों। वैल्यू रहेगी पर बड़ा पैसा नहीं बनेगा। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो आप स्मॉल कैप मिड कैप इस टाइप के शेयर में लगा सकते हो। बैंकिंग सेक्टर में भी ऐसे बहुत सारे शेयर है जो कि स्मॉल कैप और मिड कैप है। सो देख सकते हो दोस्तों, ये ब्लू चिप कंपनी है जिसकी मैंने बताया था 8.27 लाख करोड़ का मार्केट है दोस्तों, देख सकते हो आप यहाँ पे। उसके बाद देख सकते हो कोटक महिंद्रा बैंक, ये भी ब्लू चिप कंपनी से है, इसका ही मार्केट अच्छा है। देख सकते हो इसमें भी 1 साल में क्या रिटर्न दिया हुआ है, मात्र 8%, सिर्फ 8% दोस्तों। और बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, जैसे कि 5 साल में हम देखेंगे, 5 साल में 90% का रिटर्न दिया हुआ है। जैसे कि मैंने बोला था आग बंद करके पैसे लगा सकते हो, पर आपको भी थोड़ी स्टडी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और कल जाके ले लिया, ऐसा नहीं। आप थोड़ा पर्सनल एडवाइज़र से पूछ के भी लगा सकते हो। अगर आपके पास में कैपिटल कम है तो आप स्मॉल कैप मिड कैप जैसे शेयर में जा सकते हो। हालांकि मैं ऐसा पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि कल ही जाके खरीद लो, ऐसा मेरा कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है। सो देख सकते हो इसमें भी मैक्सिमम टाइम पे 79,900% का रिटर्न दिया हुआ है। देख सकते हो दोस्तों चार्ट पैटर्न क्या डिसेंट लग रहा है, एकदम बढ़िया। तो इस तरीके से बड़े 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 जो लोग हैं इन स्टॉक में पैसे रख देते हैं, उनको FD में पैसे रखने से अच्छा यहाँ पैसे रखना पड़ता है, क्योंकि इस लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा बन सके। जैसे कि मैंने बोला था ये भी ब्लू चिप कंपनी है, तो 3.82 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। मैं कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ दोस्तों आपको। देख सकते हो ICICI बैंक, ये तीनों बैंक जो भी मैं बता रहा हूँ, इसके पहले मैंने HDFC बताया था, उसके बाद में कोटक बताया था, HDFC कोटक और अभी ICICI बैंक। तो देख सकते हो इनका अच्छा खासा वेटेज है। तो जैसे कि मैं बोला था आपको कि 5 साल में इसने भी 200% का रिटर्न दिया है, ये थोड़ा रिस्की है, हाई लाख करोड़ का मार्केट। सो इसका भी चार्ट पैटर्न देख सकते हो यहाँ पे, अच्छा खासा यहाँ पे देख सकते हो गिरावट हुई थी, उसके बाद में वापस से रिकवर हुआ। देख सकते हो 1 साल में वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा दिखाया हुआ है इस स्टॉक ने, देख सकते हो दोस्तों। यही रहता है, ये थोड़ा रिस्की है क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है, तो इसमें थोड़ा पैसा लगाना थोड़ा अलग ही रहेगा। अगर आपने टॉप लेवल पे यहाँ अगर पैसे लगा दिए, अगर कल जाके यहाँ पे आ गया तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, जैसे कि कभी पैसे की ज़रूरत ज़्यादा रहती है। सो देख सकते हो यहाँ पे भी ICICI बैंक ने 20% का रिटर्न दिखाया हुआ है। जैसे कि इसका भी मार्केट कैप आप देख सकते हो 6.10 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ये रिस्की क्यों है बोला था मैं, क्योंकि ये वॉलीटिलिटी ज़्यादा दिखाता है। सो देख सकते हो इसका भी मैक्सिमम टाइम में हम रिटर्न देखेंगे, मैक्सिमम टाइम में देख सकते हो आप दोस्तों 21,373% का रिटर्न है। जैसे कि मैंने आपको बोला था वॉलीटिलिटी ज़्यादा दिखाता है, तो देख सकते हो यहाँ पे ये छोटी छोटी गिरावट यहाँ पे दिखाया है, ये देख सकते हो छोटी मोटी गिरावट है। सो ये भी अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है पर वॉलीटिलिटी ज़्यादा है, आप उस हिसाब से इसको देखकर चल सकते हो। बैंक सेक्टर में सबसे ज़्यादा अच्छे चलने वाले शेयर अगर हम बोले तो ये 3 शेयर है दोस्तों। इन्हीं स्टॉक की वजह से बैंक निफ्टी चलता है, और बैंक निफ्टी भागता है तो Nifty 50 भागता है। मैं डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ दोस्तों कि कल ही जाके खरीद लो, बाय और सेल करने के लिए मैं नहीं बताता हूँ। जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन्हीं के लिए मेरा ये चैनल है। सो दोस्तों वो कभी भी यहाँ पे आकर इस वीडियो को देख सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से वीडियो था, उस पर्पस के हिसाब से मैं ये वीडियो बनाता हूँ, आप सब तक पहुँचाता हूँ, ताकि रिटेल इन्वेस्टर गलत स्टॉक में ना फंसे दोस्तों। मेरा यही एक उद्देश्य है दोस्तों। आप वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मेरी वीडियो और भी ज़्यादा लोगों को दिखेगी, वो भी लोग शेयर करेंगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो उसमें भी कुछ रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, वो ऐसे स्मॉल कैप माइक्रो कैप में फंसे ना, इसलिए मैं कुछ ऐसे स्टॉक बताता हूँ कि जो एक हमारे लिए नॉर्मल शेयर रहता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लाइक करेंगे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। सो दोस्तों जिनके पास में डीमेट अकाउंट नहीं है वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, डीमेट अकाउंट बनाने के लिए मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और मैंने एंजल ब्रोकिंग का एक वीडियो बना के रखा है कि अकाउंट ओपन कैसे करें, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे वो वीडियो देखकर आप एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।